Hi, hello, hola, namaste, namaskar. मेरा नाम है मुकेश, उठके वाला मुकेश नहीं हूँ मैं, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुकेशिया। तो आज हम आए हैं सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो किसी की जॉब लगा रही है, तो किसी की हॉप, तो ये टेंशन होता है भाइयों और उनकी बहनों, ये टेंशन बहुत आम बात है। तो हमें चाहिए क्या होता है, चाहिए हमें खुशी चाहिए होती है, खुशी मन की खुशी, बाहरी खुशी का मतलब नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ मन की खुशी। तो मन की खुशी के लिए हमें अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम हमें अपने आप को देना होता है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप में देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसी जगह घूम सकते हैं। तो आज के लिए हम आपको यहाँ का पूरा टूर कराते हैं, आप देख सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं मन की शांति, तो आप आके इस जगह को चेक कर सकते हैं। इस जगह का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में देखूँगा, आप चेक करिए। इस आश्रम के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी, आपको कुछ भी क्वेरीज है, क्या करना है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पे बताते हैं। तो आप आके किसी से बात कर सकते हैं, बहुत ही कूल, बहुत ही फ्रेंडली इंसान है, आप आराम से आके बात कर सकते हैं। पक्षी हमें आसपास कोई देखने को मिलता था, जो कि आज सिर्फ जू में देखने को मिलता है, वो भी लिमिटेड पशु प्राणी देखने को मिलता है। पहले हर जगह हमें हिरण, मयूर, हर चीज़ देखने को मिलता था, जो कि आज नहीं मिल पा रहा है। राजा महाराजाओं का ये पैलेस, वो लोग किस तरह से जीते थे, हर जगह सुख शांति खुशी थी। आज ये सब कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। इस तरफ भी देख सकते हैं, इस तरह से पहले हर जगह स्नेह ही रहता था निर्तक के। कोई प्रेम से रहा करते थे, वही दर्शाया जा रहा है इस तरह। किस तरह झूले पे आनंद लिया करते थे, जो कि आज देखने को नहीं मिलते हैं। कलाकार, तरह तरह के कलाकार रहते थे आसपास में, सब कुछ देखने को मिलता था, खरगोश, मोर, क्योंकि आज प्रकृति में देखने को ही नहीं मिलता है। ट्रूथ, सभी सच बोला करते थे प्राचीन काल में, जो कि आज
हार्डली कोई सच बोलता है,